नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीस राज में दोस्तों दिल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि 12 फुट बाय 12 फुट का अगर आप लोग दो रूम बनवा रहे हैं अभी के डेट में, तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, मेटेरियल के साथ साथ लेबर का कॉस्ट, साथ साथ कॉन्ट्रेक्टर प्रॉफिट। ठीक है, इसमें हमने ए टू जेड बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर कॉस्ट के ऊपर बात किया है, साथ साथ लेबर कॉस्ट के ऊपर बात किया है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस टाइप का वीडियो आपको यूट्यूब पर जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो प्लीज लास्ट तक देखिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए करते हैं शुरू। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ दो रूम 12 बाय 12 फुट का रूम अगर बनवाते हैं 2023 में, तो कितना खर्चा होने वाला। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रूम का बात कर ले दो रूम का, तो 288 स्क्वायर फुट हो जाएगा दोस्तों। फ्रेंड, दो गुने 12 फुट बाय 12 फुट, ठीक है, तो यह 288 स्क्वायर फुट हो जाएगा। इसमें आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेबर रेट का अगर बात करें तो 250 से 300 रुपया पर स्क्वायर फुट अभी के डेट में पड़ रहा है। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट आपका हो जाएगा 288 स्क्वायर फुट, दो रूम का एरिया है, गुने 250 रुपया हम एक स्क्वायर फुट का पकड़े हैं, तो यह 72,000 रुपया लेबर के ऊपर खर्चा हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट में बात कर ले नंबर्स ऑफ कॉलम, जिसको पिलर्स बोलते हैं गाँव के भाषा में, तो 6 नंबर्स ऑफ कॉलम और पिलर्स लगेगा। ठीक है, अगर तीसरे पॉइंट में बात कर ले तो फाउंडेशन ऑफ सॉइल एजुकेशन, मिट्टी खुदाई फाउंडेशन का 6 कॉलम का, तो फुटिंग का साइज 3 फुट लंबाई, 3 फुट चौड़ाई, 3 फुट गहराई रहेगा डिप। तो जब गुना कर देंगे तीनों को और 6 से कॉलम से गुना कर देंगे, तो 162 CFT हो जाएगा। CFT का मतलब क्यूबिक फुट होता है। कॉस्ट ऑफ सॉइल एजुकेशन का बात कर ले तो 10 रुपये एक स्क्वायर फुट का, तो 162 CFT का 1620 रुपया पड़ जाएगा 6 कॉलम पिलर का खुदाई के लिए। फाउंडेशन फिलअप का अगर बात कर ले तो फाउंडेशन फिलअप कॉस्ट आप मिट्टी से भर सकते हैं, मोरम से भर सकते हैं और सॉइल से भर सकते हैं। 288 स्क्वायर फुट को 12 रुपये से गुना कर दीजिएगा एक स्क्वायर फुट का लेबर प्लस मेटल का। दो रूम का एरिया हो गया 288 स्क्वायर फुट और रोड लेवल तक आपका हाइट हो गया फाउंडेशन का 3 फुट, 12 रुपया एक स्क्वायर फुट का। तो जब तीनों को गुना कर देंगे तो यह होने वाला दोस्त 10,368 रुपया आपका पड़ जाएगा मिट्टी भराई के लिए रोड लेवल से 3 फुट ऊँचा तक। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ हम बात कर ले अगले पॉइंट में, तो आर्किटेक्ट कॉस्ट हो गया। आर्किटेक्ट कॉस्ट यानी कि एक आर्किटेक्ट से अगर ड्राइंग बनवाते हैं तो उसका खर्चा कितना होने वाला है, तो 12 से 15 रुपये एक स्क्वायर फुट का ले लेता है। उसके अकॉर्डिंग आपका 3,456 रुपया पड़ जाएगा। अगर आप खुद से बनवा लेंगे तो यह खर्चा आपका बच सकता है, सेविंग हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, आप नगर निगम में हैं तो आपका नक्शा पास करवाना होता, इसके वजह से यह कॉस्ट आपका 3 से 4 हज़ार के बीच में लगेगा। अगर विलेज एरिया में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, खुद से बनवा लीजिएगा दो रूम का, 3 रूम का डिजाइन। हम फिलहाल दो रूम का बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम अभी बात करने वाले हैं और बिल्डिंग मटेरियल्स का कॉस्ट, जिसमें सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया हो जाता है, ईंट हो जाता है, ग्रेनाइट टाइल्स वगैरह सब आ जाता है। तो सबसे पहले हम सीमेंट्स का बात कर लेंगे, तो 130 बैग लग जाएगा दो रूम बनवाने के लिए प्लास्टर तक के लिए। कॉस्ट का अगर बात कर ले तो एक बैग का कीमत सीमेंट का 420 से लेकर 450 रुपया, तो 430 रुपये हम पकड़े हैं। उसके अनुसार फ्रेंड 55,900 रुपया आपका पड़ जाएगा, और यह रेट सीमेंट का वैरी करता है अलग अलग लोकेशन पे। तो जो भी रेट रहे आपके लोकेशन पे, क्वांटिटी हम बता दिए, उसमें गुना कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। अगले पॉइंट में बालू का बात कर ले, सैंड रेत का, तो 350 CFT लगेगा। ब्रास आपका हो जाएगा लमसम 3.5 ब्रास हो जाएगा। बालू कॉस्ट का बात कर ले तो 80 रुपया एक CFT का हमारे एरिया में, तो अगर गुना कर देंगे 350 CFT से, तो यह 28,000 रुपया बालू के ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है फिर से बोल दे, यह आपका रेट वैरी कर सकता है 10 से 15 रुपये आपके एरिया में। अगले पॉइंट में बात कर ले एग्रीगेट का, तो एग्रीगेट का 380 CFT है लमसम, आप 4 ब्रास लेके चल सकते हैं। गिट्टी जिसको खड़ी बोलते हैं, ठीक है गिट्टी बोलते हैं, मेटल ब्लास्ट बोलते हैं, 80 से 90 रुपये एक CFT का पड़ रहा है हमारे एरिया में। आपके एरिया में जो भी रेट रहे प्लीज़ गुना कर लीजिएगा क्वान्टिटी में, पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत रेट वैरी करता अलग अलग लोकेशन पर, इसका 30,400 रुपये आपका पड़ जाएगा। फिर से बोल दे दोस्तों, यह रेट वैरी कर सकता है, ठीक है आपके एरिया में
जो भी रहे रेट प्लीज़ गुना कर लीजिएगा। हमारे एरिया में जो था हम आपको बता दिए, 80 से 90 रुपया पर CFT पड़ रहा बिहार के रीजन में। अगले पॉइंट में बात कर ले स्टील का क्वांटिटी, 2 रूम बनाने के लिए 1008 kg लग जाए, कुंटल आपका लमसम 11 कुंटल हो जाएगा, टन्स आपका 1.1 टन्स लगभग लग जाएगा, ठीक है। कोस्ट का बात कर ले, एक अच्छे सरिया का 80 से 85 रुपया पड़ रहा है अभी के डेट में, लोकल सरिया आपका कम से कम 70 से 75 रुपया के बीच में पड़ेगा, तो यह टोटल कॉस्ट होने वाला है 80,640 रुपया पड़ने वाला है स्टील के ऊपर कॉस्ट। फ्रेंड इसी के साथ अगर बात कर ले अगले पॉइंट में, तो टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक्स यानी कि ईंट चीरा हो गया जिसको हम बोलते हैं, तो यह 7200 ईंट लग जाएगा 2 रूम बनवाने के लिए, ठीक है। हमारा वीडियो थोड़ा बहुत लंबा है लेकिन लास्ट तक देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को हेल्पफुल और कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो हम एक ईंट का 10 रुपया लेके चले हैं, तो 7200 ईंट का 72,000 रुपये के आसपास पड़ने वाला है दोस्तों। ब्रिक्स का रेट भी हमेशा वैरी करते रहता है, ईंट का रेट 7 से 15 रुपया, 10 रुपया, 9 रुपया, 14 रुपया पड़ते रहता कहीं कहीं, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपके एरिया में जो भी रहे गुना कर लीजिएगा क्वांटिटी में 7200 ब्रिक्स में। पेंट का बात कर ले तो 41 लीटर लग जाएगा, 300 रुपया में एक पेंट मिल जाता है 1 लीटर, तो 12,300 रुपया पेंट के ऊपर खर्चा हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ अगर पुट्टी प्राइमर करवाइएगा तो एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाएगा, अगर नहीं करवाइएगा तो पेंट से काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छे से पेंट करवा लीजिएगा, डबल कोटिंग तो चल जाएगा काम आपका। 2 रूम का वॉल का क्वांटिटी आपका 778 स्क्वायर फुट, 1 रूम का, तो 2 रूम का 2×778 तो 1555 स्क्वायर फुट हो गया। वॉल का क्वांटिटी 10 रुपया 1 स्क्वायर फुट का, तो 15,552 रुपया आपका हो जाएगा पेंट्स के ऊपर पुट्टी पर। फ्रेंड इसी के साथ हम अगले पॉइंट में बात कर लेंगे, तो फ्लोर टाइल्स इंस्टॉलेशन, तो फ्लोर टाइल्स का क्वांटिटी हो जाएगा 375 स्क्वायर फुट टाइल्स का। कॉस्ट ऑफ फ्लोर टाइल्स का अगर बात कर ले, लेबर प्लस मटेरियल का 2 रूम का, ठीक है, तो 1 स्क्वायर फुट का आपका 95 रुपया लग जाएगा मटेरियल के साथ लेबर का कॉस्ट। तो यह टोटल टाइल्स का क्वांटिटी 378 स्क्वायर फुट है, तो 95 रुपया से गुना कर दिए तो यह होने वाला है दोस्तों 35,910 रुपया आपका टाइल्स लगवाने का 2 रूम में खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इसी के साथ हम अगले पॉइंट में बात कर लेते हैं, तो खिड़की दरवाज़ा, एक अच्छे लकड़ी का खिड़की दरवाज़ा लगाइएगा। तो सबसे पहले अगर डोर का बात कर ले तो दरवाज़ा का फ्रेम के साथ साथ 2 दरवाज़ा का खिड़की का हो जाएगा 2×10,000 रुपया एक दरवाज़ा का लमसम पड़ रहा है अभी के डेट में, तो 20,000 रुपया आपके दरवाज़ा के ऊपर पड़ जाएगा। आपके एरिया में यह रेट थोड़ा बहुत 2,000 वैरी कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। आप बात कर लेंगे विंडो का, तो 2 रूम में 1 रूम में कम से कम आप 2 विंडो खिड़की लगवाइएगा, तो 2 रूम में लगभग यह क्वांटिटी 4 हो जाएगा, 4 नंबर सब विंडो हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो एक खिड़की का कीमत 7 से 8 हज़ार रुपया है, तो इसके अनुसार 4 खिड़की का हो गया 28,000 रुपया, ठीक है। एक अच्छे खिड़की का हम बात कर रहे हैं लकड़ी का। कारपेंटर का बात कर ले लकड़ी मिस्त्री का, तो 5,184 रुपया ले लेगा, इसका फिटिंग का चार्ज ले लेगा, ठीक है। इसी के साथ हम अगले पॉइंट में बात कर ले दोस्तों, तो प्लम्बिंग का खर्चा है, तो प्लम्बिंग आप लोग करवाइएगा, तो लमसम बाथरूम में किचन में करवा रहे हैं तो 15,000 रुपया लगभग ले ही लेगा, ठीक है। कम से कम का बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे 2 रूम में लोग जनरली कम बजट में, लो बजट में कम से कम खर्चा करता है घर में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क का अगर बात कर ले तो इलेक्ट्रिकल वर्क में लेबर प्लस मटेरियल दोनों का अगर बात कर ले तो यह 15,000 रुपया इसमें भी लगभग वायरिंग वगैरह करवाने में लग जाएगा मटेरियल के साथ लेबर का खर्चा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम बात कर लेंगे टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अभी तक जो भी हम बताए हैं तो टोटल को अगर जोड़ दिया जाए 5,01,330 रुपया पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसी के साथ हम बात कर लेंगे कि 1 स्क्वायर फुट में आपका अभी के डेट में मटेरियल के साथ साथ लेबर का कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, तो दोस्तों 1500 से लेके 2,000 रुपया पड़ने वाला है, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।